खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू ओझा पेश करती हूँ रात 11 बजे तक की प्रमुख खबरें। सबसे पहले खबरें राज्यों से जुड़ी। राजभवन और राज्य सरकार के बीच कई मुद्दों पर तनातनी जारी। ताजा मामला बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र और हावड़ा नगर निगम के बिल को लेकर सामने आया है। इस बीच दो दिवसीय गोवा सफर में गई सीएम ममता बनर्जी, वहां एक कार्यक्रम में नाम लिए बगैर राज्यपाल पर तंज कसा। गोवा के कन्वेंशन सेंटर में सीएम ने कहा कि देखिए क्या हो रहा है, राजभवन में एक राजा बैठते हैं, वे क्या नहीं बोलते, वे ऐसे बातें करते हैं जैसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी खुद को बड़ा समझते हैं। राजभवन में एक राजा बैठता है, क्या नहीं बोलता है, बीजेपी का प्रेसिडेंट से भी बड़ा, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बीजेपी का, ऐसा बात करते हैं। करने दो, जो करते हैं करने दो, हमें लड़ने दो, हमें काम करने दो। देश के गणतंत्र को ध्वंस कर रही है भाजपा। सीएम ममता बनर्जी ने गोवा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। सीएम ने कहा भाजपा देश के गणतंत्र को ध्वंस कर रही है, इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। केवल गोवा ही नहीं, लोग चाहते हैं कि ये यूपी से भी हारे, पूरे देश से हारे, राजनीतिक रूप से देश से बाहर हो जाए भाजपा। तो पीछा मत जाइए, आगे बढ़िए और जो जो भी मर्जी करे करे, हम वोट डिवाइड करने के लिए आए नहीं है, हम वोट को यूनाइट करने के लिए और तृणमूल कांग्रेस के अलायंस को जिताने के लिए बीजेपी का ऑल्टरनेटिव यही है। अगर किसी को इसको सपोर्ट करना है तो डिसीजन वो लोगों को लेना है, हमारा डिसीजन तो हो चुका है। फर्जी आर्म्स लाइसेंस मामले में सीआईडी ने बर्दवान से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसका नाम इस्माइल मंडल है, वह बर्दवान के मेमारी का रहने वाला है। उसके पास से बिना लाइसेंस के दो बंदूक जब्त किए गए। उसे अदालत में पेश करने पर 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। कोलकाता में ओजोन का स्तर बढ़कर 60% हो गया है, जो सुरक्षित स्तर से ज्यादा है। इसके बाद जन स्वास्थ्य और विक्टोरिया मेमोरियल को इसके खतरे को लेकर चिंता व्यक्त की गई। कोलकाता नगर निगम चुनाव में तृणमूल की ओर से उम्मीदवारों ने किया प्रचार, जनता से वोट मांगने घर घर पहुंचे नेता। तक बीएसएफ का राज होगा, हम कहते हैं यही तो गब्बर सिंह किया था। 50-50 कोस दूर अगर बच्चा रोता है तो माँ कहता है बेटा सो जा, नहीं तो मोदी आ जाएगा। ठीक वो 50-50 किलोमीटर ही ले रहा है। यह हालत आज हिंदुस्तान, इस बार 200 पार, कितने पार दीदी आपके फट्टा पड़ चुका है। ये है खबरें जिलों से जुड़ी। हुगली जिले के मंदिर में पूजा अर्चना कर भव्य काशी दिव्य काशी का पालन किया गया। भाजपा के जिला नेताओं ने अलग अलग मंदिरों में पूजा की, भोग वितरण किया। আমাদের দিব্যকাশী ভাব্যকাশীর যে প্রোগ্রাম, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যশস্বী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি আজকে কাশীতে মন্দির আজকে উদ্বোধন করছেন। আজকে দ্বাদশ জ্যোতিষ লিঙ্গর মধ্যে কাশী হচ্ছে একজন অন্যতম লিঙ্গ, এবং সেখানে আজকে জনগণের উদ্দেশ্যে যে কাশীর যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা থেকে পুনর্ভাবে সেটাকে সংস্কার করে আজকে নরেন্দ্র মোদীজি ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে আজকে সেই মন্দির উদ্বোধন করছেন 12:30 সময়। সেই উপলক্ষে আজকে আমরা হুগলি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে সমস্ত আমাদের মণ্ডলে, এখানে যেমন আমাদের বলগড় মণ্ডলের মাননীয় সভাপতি সন্দীপ সাধুকার নেতৃত্বে আজকের এই শিব মন্দিরে, ডামরা শিব মন্দিরে আমরা আজকে পূজা অর্চনা করলাম। দেশ ও দুনিয়া কি খবরে। कश्मीर में जवानों से भरी बस पर आतंकी हमला, 8 जवान घायल। श्रीनगर के जेवेन इलाके में फायरिंग की आवाजें सुनाई गई। सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों ने पुलिस बस पर गोलियां बरसाई, घायलों में 3 की हालत गंभीर। मनोरंजन से जुड़ी कुछ खबरें। बेहद बोल्ड ड्रेस पहन पार्टी में पहुंची पलक, मां संग किया डांस तो लोग बोले शर्म है कि नहीं। कल के मौसम का हाल।
अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। बादल छाए रहने की संभावना है, ठंड बढ़ सकती है, जिलों में कुहासे का असर दिखेगा। इसी तरह विशेष खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।